आजकल देखा जाए तो नेता जनता के बीच कुछ अलग अंदाज में ही नजर आते हैं। ऐसा ही अंदाज मुंगावली विधायक बृजेंद्र यादव का देखने को मिला, जिसमें वह ट्रैक्टर पर एसडीएम तहसीलदार को बैठाकर कॉलेज के लिए जमीन दिखाते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो सहराई गांव में डिग्री कॉलेज प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक उसके भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। प्रशासन ने जो जमीन भवन निर्माण के लिए स्वीकृत की है उस पर ग्रामीण सहमत नहीं है, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा जब विधायक से की गई तो मंगलवार को विधायक राजस्व के अधिकारियों के साथ सहराई गांव पहुंचे और ग्रामीणों ने जो जमीन बताई गई उस तक अधिकारियों में विधायक की गाड़ी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद विधायक ने ट्रैक्टर मंगाए और एसडीएम व तहसीलदार को ट्रैक्टर पर बिठा कर 2 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया, जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विधायक के द्वारा कहा गया कि जहां ग्रामीण कहेंगे वहीं भवन निर्माण किया जाएगा। इस तरह खराब रास्ते पर ट्रैक्टर चलाकर विधायक ने यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों के लिए वह हर कार्य करने के लिए तैयार है। अशोकनगर से रिपोर्टर संजय नामदेव। या फिर इसके बाद जहाँ पर आपने दी गई पहले बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये स्कूल के बगल में है और लगाई हुआ है तो अपन इसको ले सकते हैं। उसमें पड़ेगा कि जो 4 एकड़ हमने जमीन दी थी उनको मांग है। अभी मैं यहाँ पर लगभग 15 दिन पहले आया था सहराई में जी। तो यहाँ पर गांव वालों की मांग थी, यहाँ पर कॉलेज स्वीकृत हुआ है, कॉलेज की बिल्डिंग बनना है। तो गांव वालों का जो कहना था कि जो अभी वर्तमान में जो जगह चिन्हित की गई है वो ठीक नहीं है, दूसरी जगह वो चाहते हैं। तो मैंने कलेक्टर महोदय से बात की तो उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को भेजा, क्योंकि मैंने कहा मैं साथ में लेकर जाऊँगा, गाँव वालों को साथ में लेकर जाऊँगा। जहाँ गाँव वाले चाहेंगे, जहाँ उनकी इच्छा होगी, जहाँ उन्हें सुविधा होगी, उस हिसाब से अपन बिल्डिंग बनवाएंगे। तो चूंकि वो तो रोड पर थी जो जगह हम अभी वर्तमान में देख कर आए, जो बाद में हम देख कर आए तो वो आपने देखा है कीचड़ में थी वो, जहाँ हालांकि रास्ता भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ रोड स्वीकृत हो गई है, रास्ता बन जाएगा। अब जो गाँव वाले जहाँ चाहेंगे, सभी की जहाँ इच्छा होगी कि कहाँ मतलब उनको सुविधा है, कहाँ वो चाहते अपन वही बिल्डिंग बनवाएंगे।